उसको पूछें कि भाई ये सब होने के बाद ये जो पुलिस वाला मरा है इसका खून किसके, उसके ऊपर तलाश करना है, और उसके ऊपर भी जो है वो अगर अपने, वो तो मतलब इतने सेंसलेस लोग हैं, अपने जिले शाह को जिसको अपने ही बंदे के, पार्टी के बंदे ने गाड़ी के तले रोंद के मार दिया, ये उन्होंने उसका इल्ज़ाम भी दूसरी हुकूमत पे लगा के जो है वो, तो इनको लाशों के साथ खेलने की शौक था, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत करम है, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया, हमने जो है वो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ इस्लामाबाद में, पंजाब में कहीं खून रेजी नहीं होने दी, इनको लाशें नहीं दी। मैडम ये बात भी बताइए, जब भी जो वेंडर साहब है वो आते हैं पंजाब में, आप कहते हैं कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, वो आते हैं बढ़ के मार के चले जाते हैं, लगता ये कि दोनों तरफ से जो है ना, हमने इसको क्या नहीं छोड़ना, दूसरा स्पेशल अपराध के कार्ड के हवाले से जो है आप अच्छा इनिशिएट है मजर नवाज का, लेकिन जो नबीना अफराद बैठे हुए हैं उनसे गुना को बात कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, नबीना अफराद के साथ बात हो रही है ऐसा नहीं है, और आपको पता है वो आते हैं हर 6 महीने साल बाद, वो अपने मुतालबात लेके हर हुकूमत में आ जाते हैं, सो उनके साथ बिल्कुल बात हो रही है, अभी उन्होंने कहा मैंने हमने इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि उनको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और जहाँ तक गंडापुर की बात है हमने इसको क्या कहना है, उसके अपने पार्टी के लोग उसके चीचड़े करने के लिए तैयार हैं।